बॉट फोर मोस्ट पॉपुलर सेल्फेल्प बुक ऑफ दी इंटरनेट फॉर जस्ट रुपीज सेवन हंड्रेड सात सौ रुपए चार किताबों के लिए आपको बहुत ज्यादा लग सकता है मगर ट्रस्ट में अगर इन सब बुक्स को मैं ऑफ सेल खरीदता तो मुझे लगभग सोलह सौ से सत्रह सौ रुपए खर्च करने पड़ते और हाँ इन सब बुक्स की ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ क्योंकि मुझे इनका क्वालिटी चेक करना था क्योंकि ये जिस प्राइस में दे रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह असली कॉपीज है या फिर कोई पायलेट कॉपीज ओके सो द फर्स्ट बुक एटर इज जस्ट की बाइंग बाइक्यू ये बुक आपको सिखाती है कि आप किस तरीके से पैसे बचा सकते हो इवन आफ्टर बाइंग ऑल द थिंग्स पर्सनल फाइनेंस बुक आपको ये कहते हैं कि कपड़े मत खरीदो मूवी मत देखो आइटम बाय मत करो वो सब जो पैसा है हमें अपने पसंदीदा चीजों पे पैसे खर्च करना बहुत ही पसंद है, है क्योंकि ये बुक आपको वही बताती है की कि किस तरीके से जो आपके पसंद की चीज है वो सब खरीदने के बावजूद भी आप इतने पैसे बचा सको की उसको इन्वेस्ट करके आप वेल्दी बन सको इसी वजह से मुझे इस बुक को पढ़ना था विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन फॉर जस्ट वन जो अक्सर सेल में थ्री हंड्रेड तक पहुंच जाता है दूसरी बुक जो मैंने सेल पे खरीदी वो है स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक साइमन सिनेक को कौन नहीं जानता राइट ही सच इंस्पायरिंग पर्सन उनका एक टेटटॉक है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और जो कि मेरा वन ऑफ फेवरेट में से है अगर आपने नहीं सुना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके जरूर सुनना और साइमन सिनेक का ये बुक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, है क्यूँकी एक ऐसे चीज के ऊपर बात करता है ना जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं इट इज द पावर ऑफ वाई साइमन सिनेक कहते हैं कि दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान चाहे वो एकेडमी फील्ड में सक्सेसफुल हो या फिर स्पोर्ट्स फील्ड में सक्सेसफुल हो उनको अपने जिंदगी में वाई का मतलब

किया किस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट के काम आ सकता है बिजनेस के काम आ सकता है वर्कर्स के काम आ सकता है और सच कहूं तो कॉन्टेंट क्रिएशन के इन दो सालों में मैंने काफी बार इस प्रिंसिपल को फेस किया है sale, आपको 450 के अंदर मिलता है वो बुक इस सेल के अंदर सिर्फ टू हंड्रेड रायन ट्वेंटी इज वन ऑफ मुझे मोस्ट पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक ऑथर्स बट मैंने उनके अभी तो कोई भी बुक नहीं पढ़े थे बिकॉज ही मोस्टली राइट्स अबाउट

इस बुक का प्राइस फोर फिफ्टी रूपीज दिखा रहा था लेकिन इस सेल के अंदर मुझे ये बुक सिर्फ और सिर्फ टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज के अंदर मिल गया डील सो जिन बुक्स को ऑफ सेल मुझे लगभग सोलह सौ सो रुपए खर्चने पड़ते खरीदने के लिए उन सबको मैंने हाफ ऑफ दी प्राइस सेल के अंदर खरीद लिया आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस मिनी बुक हॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है यह भी कमेंट में जरूर बताना अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना मिलते आपको अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू यार कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप जरूर दे देना और मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन है जो कि है द पैलेस ऑफ इल्यूजन इस बुक को मैं भी पढ़ रहा हूँ इट्स एन अमेजिंग बुक जो द्रौपदी की पर्सपेक्टिव से महाभारत को एक्सप्लेन करता है यू हैव